हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। भाई बर्गर किसे पसंद नहीं होता है, तो आज मैं आप सबको बताऊंगा दो चीजी और जूसी बर्गर रेसिपीज। अगर आप ये बर्गर बिल्कुल अपने घर पे बना लेंगे तो रेस्टोरेंट्स में बर्गर खाना आप भूल जाएंगे। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करिए ताकि आपको हर हफ्ते बढ़िया और आसान सा फूड रेसिपी वीडियोस मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं बर्गर का रेसिपी। अच्छा, तो सबसे पहले हमें फ्राई करना है थोड़ा सा प्याज और लहसुन। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली, उसमें ऐड किया है 1 चम्मच तेल और उसमें ऐड किया है 1 मीडियम बारीक कटा हुआ प्याज। इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। उसके बाद में इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद में इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच शक्कर। शक्कर ऐड करने से बिल्कुल बढ़िया सा कैरमलाइज्ड हो जाएगा और बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसका। इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमारा प्याज बिल्कुल तैयार है फ्राई होके, इसे मैं निकाल के साइड कर लूंगा। अब हम हमारा जो बर्गर ब्रेड है उसे बढ़िया से सेक लेंगे थोड़ा सा तेल में। तेल ऐड किया है करीब 1/2 चम्मच। बर्गर ब्रेड सेकने से क्या होगा, ये बढ़िया सा एक इसमें कलर आ जाएगा, बिल्कुल चमकने लगेगा ये। एक एक करके इसमें हम ब्रेड रखेंगे और बिल्कुल बढ़िया से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरह से चमक रहा है इसका ऊपरी वाला हिस्सा। एक एक करके हम हमारा बर्गर ब्रेड बिल्कुल फटाफट से निकाल लेंगे। ये सिक्के बिल्कुल तैयार हो चुका है, हमारा बर्गर ब्रेड बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैं 2 तरह का बर्गर बनाऊंगा, तो उसके लिए बनाएंगे अब पैटी। पहले हम बनाएंगे चिकन पैटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है करीब 150 ग्राम। चिकन को मैंने कीमा कर लिया है, आप सिंपल मिक्सर ग्राइंडर में भी कीमा कर सकते हैं। उसमें मैंने ऐड किया है अंडा, 1 अंडे का आधा मैंने इसमें ऐड किया है जिसे मैंने फेंट के रखा था। उसके ऊपर मैं ऐड करूंगा 1 चम्मच बिल्कुल मैदा, काली मिर्च 1/2 चम्मच, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और हमारा जो प्याज का फ्राई था उसका मैं 1/2 हिस्सा इसमें ऐड कर दूंगा। आधा मैंने यहाँ पे ऐड किया और आधा मैंने बचा के रखा है, जब मैं मटन पैटी बनाऊंगा तो वहां पे काम आएगा। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो 1 से 2 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये मिक्स बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम फटाफट से बना लेंगे मटन पैटी। मटन पैटी भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाना है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। मटन कीमा मैंने लिया है करीब 150 ग्राम। उसमें मैं ऐड करूंगा हमारा 1/2 अंडे का मिक्स। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, नमक स्वाद अनुसार और हमारा बचा कुचा प्याज और लहसुन का वो मिक्स जिसे मैंने कुछ देर पहले भून के रखा था। यहाँ पे मैं 2 तरह का बर्गर बना रहा हूँ, एक चिकन के साथ और एक मटन के साथ। चलिए अब बिल्कुल बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं 1 चम्मच की मदद से, या फिर आप अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसे मिला लेंगे। हमारा चिकन और मटन का जो पैटी मिक्स है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे शेप देंगे और फ्राई करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे चिकन पैटी को रखा है, इस तरह से इसे शेप देना है। आप किसी भी किचन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट पे मैंने पहले से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दिया है ताकि ये बिल्कुल चिपके ना प्लेट के साथ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार है, एक बिल्कुल राउंड शेप देना है हमें इसे। हमारा चिकन पैटी बिल्कुल तैयार है। सेम प्रोसेस से बना लेंगे हम हमारा मटन पैटी। प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल चिपके ना। उसके बाद एक किचन टूल की मदद से या फिर अपने हाथों की मदद से आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्राई। फ्राई में पहले आपको मटन का जो पैटी है उसे करके दिखाता हूं। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, हल्का सा तेल डालेंगे करीब 1/2 चम्मच। उसके बाद इसमें मैं रख दूंगा हमारा मटन पैटी। इसे फ्राई होने देंगे करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट बाद इसे हम बिल्कुल हल्के से पलट देंगे। बिल्कुल हल्के से इसे पलटना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा एक साइड का मटन पैटी बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। अगर इस तरह से थोड़ा सा पीसेस बिखर भी जाता है तो कोई बात नहीं, जब इसके ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया सा सेट हो जाएगा। अब इसे हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट बाद ये अपना जूसेस छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारा पैटी बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर रखेंगे हम चीज स्लाइस, बिल्कुल रेगुलर चीज स्लाइस का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे कवर करके कुक करेंगे 2 मिनट तक, चीज बिल्कुल पिघल जाएगा। अब देख सकते हैं हमारा चीज बिल्कुल पिघल चुका है, हमारा पैटी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज्यादा चीजी और जूसी बना है ये। अच्छा, तो हमारा पैटी भी बिल्कुल तैयार है। अब इसे करेंगे असेंबलिंग, यानी कि हम चल जाएंगे हमारे फाइनल स्टेप की ओर।
यहाँ पे मैंने एक बर्गर ब्रेड लिया है, उस पर मैंने ऐड किया है मेयोनीज। मेयोनीज के साथ मैंने एक चम्मच टमाटो केचप ऐड कर दिया था। इसे बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहे तो सिंपल मेयोनीज या फिर चिली मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगा हमारा पैटी, जो बिल्कुल चीज से भरा हुआ है। पैटी को बिल्कुल आराम से प्लेस करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज स्लाइस में कटा हुआ दो और टमाटर स्लाइस में कटा हुआ दो। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रहा हूँ ऊपर से। आपके पास नहीं है बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आप ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसे क्लोज करेंगे और डायरेक्टली हम इसे सर्व करेंगे। गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो ये खाने में बहुत ही बढ़िया चीजी और जूसी बनेगा। अब हम फटाफट से बना लेंगे हमारा चिकन बर्गर। चिकन बर्गर का जो पैटी है वो मैंने पहले से फ्राई करके रख लिया था। जिस तरह से हमने मटन पैटी फ्राई किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस से फ्राई करेंगे, 5 मिनट दोनों साइड यानी कि टोटल 10 मिनट तक। मेयोनीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। टोटल 2 चम्मच मेयोनीज मैंने लिया है, 1 चम्मच चिकन बर्गर के लिए और 1 चम्मच मटन बर्गर के लिए। उसमें मैंने ऐड किया था 1 चम्मच टमाटो केचप। अब बढ़िया से प्लेस कर देंगे हमारा चिकन पैटी, उसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज के स्लाइस और टमाटो के स्लाइस। प्याज और टमाटर ऐड करने के बाद हल्का सा हम इसमें ड्रिजल करेंगे हमारा जो मिक्स्ड हर्ब्स था वो, और इसे कवर करेंगे और डायरेक्ट सर्व करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिए, रेसिपी को शेयर करिए। रेसिपी से रिलेटेड आपको कोई से भी डाउट है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम योर होस्ट एंड कुक एंड द शो, गुड बाय फूडीज़।